बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग लेमन चीज़ केक। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें इसके लिए स्प्रिंग फोम पेन चाहिए होगा। मेरे पास ये 11 इंच का स्प्रिंग फोम पेन है। इसकी साइडों पे मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि केक आसानी से स्लाइड होकर निकल आए। अंदर इसके मैंने पार्चमेंट पेपर डाला है, जब नीचे से हम केक को निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगा। यहाँ पर मेरे पास 150 ग्राम क्रैकर्स हैं या वेफर्स हैं, इनको मैं क्रम्स में ले आऊंगी। आधा कप मेरे पास यहाँ पे बटर है, जितना बटर इसके अंदर जाएगा डाल के केक की हम बेस बनाएंगे जो हमें सबसे पहले चाहिए होगी। इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से सेट करने के बाद हम फ्रीजर में 30 मिनट के लिए रखेंगे। अब केक बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 800 ग्राम क्रीम चीज है, रेगुलर है। 3 टेबल स्पून मैंने जेलेटिन के लिए हैं, इसके अंदर मैंने इतना पानी डाला है कि अच्छे से सोक हो जाए, तब तक बाकी की चीजें हमारी रेडी होंगी। जेलेटिन जो है वो बहुत अच्छे से ब्लूम हो चुकी होगी। आपने जेलेटिन नहीं डालनी है तो आप इसकी जगह अगर अगर का यूज कर सकते हैं। 300 ml मेरे पास कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा है तो हमें चीनी की जरूरत नहीं है। लेमन पड़े हुए हैं यहाँ पे मेरे पास, इसके अंदर आपने फ्रेश लेमन का जेस्ट डालना है और फ्रेश लेमन का ही जूस डालना है। 2 लेमन का मैं इसमें जेस्ट डालूंगी और 3 टेबलस्पून जितना इसमें लेमन का जूस जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसकी बेस बनाते हैं और उसके बाद फिर बाकी काम शुरू करते हैं। बेस बनाने के लिए मैंने ग्राहम क्रैकर्स को जो है या वेफर्स को क्रम्स में लाना है। मैं फूड प्रोसेसर में करने लगी हूँ। आप जिपलॉक बैग में डाल के करना चाहें, जैसे आपको आसान लगता है आप वैसे कर लीजिए। मैं टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ। क्रम्स मैंने बना लिए हैं। अब मैं बटर जो मैंने रखा हुआ है मेल्ट करके इसमें डालूंगी। सारा ही चला जाएगा। इसको हम डालेंगे स्प्रिंग फोम पैन में। क्रम्स को मैंने दबा के बहुत अच्छे से अंदर सेट कर दिया है। अब मैं इसको लगी हूँ फ्रीजर में रखने एटलीस्ट 30 मिनट के लिए और हम केक को मिक्स करना शुरू करते हैं। केक की बेस मैंने रख दी है फ्रीजर के अंदर सेट होने के लिए। अब हम क्रीम चीज को करेंगे मिक्स बहुत अच्छे से। थोड़ा टाइम लगेगा सॉफ्ट होते हुए। इसको ऐसे ही मैं बीट करूंगी बहुत अच्छे से। बीट होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बीट करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क जो है वो मिला दिया है बीट करते करते। तो थोड़ा बचा था वो भी डाल दूँ। साथ ही यहाँ पे मैं अब जो मैंने लेमन का जूस आपको बताया था वो डाल दूंगी। इसको आप बहुत अच्छे से जो है वो बीट करेंगे और एंड पे मैं इसमें लेमन जेस्ट डालूंगी। बीट करने के बाद इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है ज़्यादा सावर रखना है तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा लेमन का जूस और डाल लीजिएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल सेट आएगा जितना मैंने डाला है। चीज़ें मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे अब मैं इसको चेक करूँगी, सारी चीज़ें पूरी हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर जेलेटिन जाएगी और लेमन का जेस्ट जाएगा। अच्छे से मार लेंगे सारा मिक्सचर इसमें से। लेमन जेस्ट में डाल दूंगी इसके अंदर। जेलेटिन देखें बहुत अच्छे से हल हो गई है। इसको मिक्स करके तो मैं जेलेटिन को डाल दूंगी अंदर। लेमन जेस्ट अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब इसमें जेलेटिन डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको।
मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप जेलेटिन यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह अगर का यूज कर सकते हैं इसी क्वांटिटी में। अब मैंने जो बेस बना के फ्रीजर में रखी हुई है वो निकाल के लाती हूँ, तो इसको उसमें डाल के मिक्सचर को रखते हैं फ्रीजर में। बेस में निकाल के ले आई हूँ, सेट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये वाला सारा बैटर जो हमने बनाया है, और इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर आप रात भर इसको पड़ा रहने दें एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 8-9 घंटे इसको जरूर सेट होने के लिए दीजिएगा। 8-7 घंटे ये सेट हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर जो है वो लेमन कर्ड डालेंगे। एक कप हमें लेमन कर्ड चाहिए होगा केक पे डालने के लिए। लेमन कर्ड मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप उसी तरीके से बना के रख लीजिएगा और फिर केक के ऊपर डाल दीजिएगा। इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। मैं इसको रखूंगी एटलीस्ट 10 से 12 घंटे के लिए। 8 या 10 घंटे के बाद इसके ऊपर मैं लेमन कर्ड भी डाल दूंगी और डालने लगूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। केक को मैंने 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए, ये बहुत हद तक सेट हो गया है। 2 से 3 घंटे इसको और लगेंगे बिल्कुल सेट होते हुए। अब यहां पे मेरे पास लेमन कर्ड है, मैं इसके ऊपर लेमन कर्ड डालूंगी। अच्छे से इसको ऊपर सेट करेंगे, सारा अच्छे से जो है वो स्प्रेड हो गया है। इसको अब मैं दोबारा 3 घंटे के लिए एटलीस्ट रखूंगी फ्रिज में, बनेगा निकालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। केक रेडी हो गया है, इसको अब हम निकालते हैं। मैंने छुरी इसकी साइड पे फेरी थी कि आसानी के साथ ये निकल आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया है। इसके नीचे वाला प्लेटर अब मैंने निकालना है, वो मैं निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। केक माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट हो गया है, नो बेक लेमन चीज केक तैयार है, इसको अब सर्व करेंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग नो बेक लेमन चीज केक तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।